मार्केट में फुटपाथ पर रहने वाली भारती खांडेकर की है, जो अपने माता पिता दो छोटे भाइयों के साथ पिछले कई सालों से फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन बसर कर रही है। वही भारती स्टेट लाइन में पढ़ाई कर 10 क्लास में 68% लाकर टॉप किया है। दरअसल भारती के पिता दशरथ खांडेकर पेशे से मजदूर हैं और पिछले 15 सालों से फुटपाथ पर रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। खांडेकर का सपना है कि उनकी बेटी खूब पढ़ लिख कर शहर और देश का नाम रोशन करें। अपने माँ बाप के सपने साकार करने निकली भारती स्ट्रीट लाइट में दिन रात बैठकर पढ़ाई करती है, जिससे उसने 10वीं क्लास में टॉप किया। भारती का सपना है कि वह IAS अधिकारी बनकर अपने और शहर का नाम रोशन करे और उसके जैसे मजदूर वर्ग के लोगों की मदद कर सके। वहीं राज्य बाल आयोग द्वारा भारती खांडेकर को आवास मुहैया कराने की बात की गई, जिसको देखते हुए नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने तत्काल उन्हें भूरी टेकरी स्थित बिल्डिंग में फ्लैट आवंटित कराया। साथ ही भारती को टेबल कुर्सी और कॉपी भी निशुल्क उपलब्ध कराई। अपने नए घर को पाकर भारती का परिवार बहुत खुश हुआ और कलेक्टर नगर निगम आयुक्त सहित मीडिया को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने भी बताया कि होनहार बच्चों को मदद जरूर करनी चाहिए, साथ ही हमारी ओर से सामाजिक स्तर पर जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने मम्मी पापा जिन्होंने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया और आज इस काबिल बनाया, और आज पहली बार छत को देखा है कि आज पहली बार घर में रहने का मौका मिला, और सभी अधिकारियों को भी मेरा धन्यवाद जिन्होंने आज हमें घर दिया, और कमिश्नर मैडम माननीय कमिश्नर मैडम को भी मेरा धन्यवाद जिन्होंने घर देने के लिए कृपा करी, और अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा स्कूल टीचर्स और मुझसे जुड़े सभी करीबियों को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प की, और धन्यवाद। अगर चूँकि इतने अच्छे परसेंट लाइए और फुटपाथ पे ये होना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है अगर हम भी कुछ मदद कर पाए सामाजिक स्तर पर हम मिलकर करेंगे। इसमें नगर निगम कुछ उस वर्क कर रहा है, इसमें जो बच्ची जो एक फुटपाथ से पढ़ के 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लेके आई थी, उसमें नगर निगम संभवतः कुछ उस पर कार्रवाई कर रहा है, उसमें उनको उसको बच्ची को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं वहाँ पर। सर जल जीवन